पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप का लोकार्पण और शुभारंभ एक अणे मार्ग पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाकर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को विभिन्न प्रखंडों के हेतु रवाना किया गया। पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं को चिकित्सालय तक लाने में काफी कठिनाइयां होती थी, इसे देखते हुए ही ये व्यवस्था की गई है। मौजूद हैं हम और आज देखिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बताते चले, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने आज 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों एवं कॉल सेंटर का लोकार्पण किया। इस पूरे लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय मंत्री रेणु देवी शामिल थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल थे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल थे। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से जो विभाग की मंत्री हैं रेणु देवी, उन्होंने बताया कि 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई हैं उनको अब प्रखंड स्तर पर भेजा गया है। जो पशु हैं, जो ग्रामीण स्तर पर पशु हैं, जो जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता है, भारी होने के वजह से उनको अस्पताल नहीं ले जाया जा पाता है, तो उनके लिए बड़ा सुनहरा अवसर आज बिहार सरकार ने दिया है। और आज जो मोबाइल गाड़ियां हैं उनमें सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, पशुओं को ठीक करने का, टीकाकरण से संबंधित, उनके इलाज से संबंधित डॉक्टर उसमें मौजूद रहेंगे। और किसी को भी कोई समस्या होगी, कोई पशु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनको कॉल करना होगा। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा, 1962 नंबर पर कॉल करके बुलाना होगा और कुछ ही देर में गाड़ी जो है, गाड़ी डॉक्टर के सहित उनके घर पर होगा और पशु का समुचित इलाज करेगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री और विभाग के अधिकारीगण। पशु चिकित्सा इकाई एवं कॉल सेंटर में आप सभी लोग, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए सभी बंधुओं को सबसे पहले तो मैं और अधिक, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमने पशुपालकों के लिए एक जो काम किया है, जो मेरे हमारे मंत्री जी हमेशा कहा करते थे कि हम जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे। और आप देख रहे हैं कि बिहार में आज दूध की क्षमता बढ़ते ही जा रही है और जिससे हमारे डेयरी का भी अच्छा उत्पादन हो रहा है और हम उससे बाहर भी हम भेज रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो गुवाहाटी हो, और इस तरह से हम भेज रहे हैं बाहर में, चाहे वो दिल्ली हो और बाहर बहुत जगह ऐसे सारे में बात हो रही है। कमलों से आज ये लोकार्पण हुआ है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय हमारे केंद्र के मंत्री अति विशिष्ट में राजीव रंजन जी उर्फ ललन सिंह जी, हमारी केंद्रीय मत्स्य पालक डेयरी के हमारे वहाँ से आई हुई हैं हमारी जो है महिला, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इस तरह से जो हमारे वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित थे अमृतलाल मीणा जी, मुख्य सचिव श्री दीपक पशु चिकित्सा इकाई में, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई में है, उनको अगर कोई डाउट है, किसी सीनियर से पूछना है या किसी टेक्निकल और भी जिनको नॉलेज है उनसे पूछना है, तो वो टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था किया गया है। वो वीडियो कॉल के माध्यम से कॉल सेंटर में जो यहाँ पे सीनियर वेटरनेरियंस है उनसे बात कर सकते हैं, या विश्वविद्यालय में जो वेटरनेरियंस हैं उनसे बात कर सकते हैं, किसी से भी जो उस सब्जेक्ट का जानकार है उनसे वीडियो कॉल करके उसको दिखा सकते हैं पशु का क्या समस्या है, तो टेलीमेडिसिन कहते हैं, तो टेलीमेडिसिन का भी व्यवस्था किया गया। इस तरह कुल मिलाकर ये पशु चिकित्सा सेवाएं जो है पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध कराने के लिए आज एक हम लोगों ने बहुत अच्छा